ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग. सो वी कंटिन्यू आवर चैप्टर चैप्टर 16 यस लाइफ. मैम। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, क्या उसका हम दोबारा से रिफ्लेक्शन करा सकते हैं, है ना. ये आज अपना टॉपिक है. 16.4 पेज नंबर आपको निकालना है इसमें बुक का 203. ठीक है. रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी ओके रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. ये अपना टॉपिक है जिसमें आप ध्यान दीजिए, है ना. थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. जैसे बुक से ही समझा रही हूँ आपको, जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ा था लास्ट टाइम यू विजिटेड, जैसे आप कभी गए हो हेयर ड्रेसर के पास, है ना. तो ही शी मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर. जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, फिगर आपका ये नीचे दिख रहा है, फिगर आपका है 16.9 मिरर एट द हेयर ड्रेसर शॉप. इस तरह से वहां मिरर लगा रहता है और आपको ये बैठाते हैं, ठीक है. तो आफ्टर योर हेयर कट इज कम्प्लीट, जब आपके हेयर कटिंग कम्प्लीट हो जाती है, ही शी होल्ड ए मिरर बिहाइंड यू, है ना, बिहाइंड यू. तो आपके पीछे भी एक मिरर लगा करके आपको पीछे की अपनी आपके हेयर कैसे कटे हुए हैं, है ना, तो आपकी हेयर कटिंग को दिखाते हैं, है ना. बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज बीन कट, है ना. डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड. तो आप जो है आपके पीछे, जब आपके पीछे मिरर लगा दिया गया और आपको आप अपने पीछे के भी हेयर देख पा रहे हो, है ना, तो ये कैसे होता है, कैसे आप अपने पीछे का पोर्शन देख पा रहे हैं, है ना. तो इसमें पहली रिकॉल हैविंग कंस्ट्रक्टेड ए पेरिस्कोप उसने बनाया एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी, है ना. इन आपने क्लास सिक्स में किया था, पेरिस्कोप आपने बनाया था. द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर, उसमें हमने टू प्लेन मिरर का यूज किया था. कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स इनेबल्स यू टू सी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली, है ना. जो आपने जो प्लेन मिरर लिए थे, है ना, उसमें आपको कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा था. कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स इनेबल्स यू टू सी ऑब्जेक्ट,
है ना, आपको उसकी उन दोनों मिरर्स के रिफ्लेक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, है ना, विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली, जो कि आपस सामने सामने रखे हुए हैं तो विजिबल नहीं है लेकिन उसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। पेरिस्कोप जो था आर यूज इन सबमरीन, है ना, सबमरीन जहाँ पर होते हैं वहां पर इनका यूज होता है, टैंक्स में एंड ऑल्सो बाई सोल्जर्स इन बैंकर्स, है ना, इन कहाँ पर बुनकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड, बाहर की चीजों को देखने में इसका यूज किया जाता है। अब मल्टीपल इमेज कैसे बनते हैं, है ना, मल्टीपल इमेज सपोज दैट दो आपने पार्लर में रखे हैं और उसमें आप देखिए तो आपको मल्टीपल इमेज दिखाई देती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देती है, है ना। तो इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेजेस, तो जैसे आपने यू आर अवेयर, आप जानते हैं दैट ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली ए सिंगल इमेज, यदि आप प्लेन मिरर में अपने आप को देखेंगे तो आपकी एक सिंगल इमेज दिखाई देती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो अपने आप को देखें या किसी पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को देखें, आप उसको उसकी आपको सिंगल इमेज दिखाई देती है। व्हाट हैपेंस इफ टू प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, यदि दो प्लेन मिरर आपके पास हैं और आप उसको एक साथ यूज करते हैं तो आपको कैसी इमेजेस दिखाई देंगी, चलिए हम इसको समझते हैं आगे। इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी आपकी 16.5। एक्टिविटी है आपका 16.5, इसमें हमने क्या किया है, तो टू हमने प्लेन मिरर्स लिए हुए हैं, हमने टू प्लेन मिरर्स लिए हैं, सेट देम एट राइट एंगल, है ना, उसको आपने राइट एंगल पे सेट किया टू ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग, है ना, जैसे कि इसमें दिखाया गया है आपने उसको किसने 90 डिग्री पर रखा हुआ है, एजेस टचिंग टू हिंज देम, यू कैन यूज एडहेसिव टेप, आप यदि चाहें तो उसको आप अटैच करके रख सकते हैं, यदि नहीं हो रहा है तो आप कोई टेप लगा करके उसको एक दूसरे से अटैच करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द कॉइन डू यू सी, तो आपको कितने इमेज दिखाई देंगे, यदि कॉइन आपका सामने रखा हुआ है तो आपके उसके, है ना, कितने इमेज दिखाई देंगे, थ्री, यदि 90 डिग्री पर है तो थ्री इमेज दिखाई देंगे। हाउ हिंज, नाउ हिंज द मिरर यूजिंग द एडहेसिव टेप एट डिफरेंट एंगल्स, आप डिफरेंट एंगल्स में भी इसको कर सकते हैं, से 40 डिग्री पे करके देखें, 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, एक्सेट्रा, प्लेस सम ऑब्जेक्ट से कैंडल, एक कैंडल रख सकते हैं उसके सामने, इन बिटवीन देम उनके सामने, नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केस, है ना, और हर केस में जैसे आप एंगल चेंज कर रहे हैं उसकी इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस भी चेंज होंगी, तो हर एंगल पे आप उसका नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनली सेट द टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, और लास्ट में आप एक दूसरे के, यदि इनको पैरेलल रख देते हैं दोनों प्लेन मिरर को, फाइंड आउट हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द कैंडल प्लेस बिटवीन देम आर फॉर्म्ड, तो यदि एक दूसरे के आप पैरेलल रखोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, यानी बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, वो अनकाउंटेबल होती हैं, इज दैट क्लियर, ओके। और 90 डिग्री पर यदि आप रख रहे हैं जैसा फिगर में दिखाया गया 16.10, तो आपकी 3 इमेजेस बनती हैं, ठीक है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं, ये भी आप समझ गए। इसके बाद यहाँ पर ये आपका जो एक्टिविटी है, कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड, आपके बैक ऑफ योर हेड एट हेयर ड्रेसर, तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि जो आपको बैक हेयर ड्रेसर के पास जब आप जाते हैं तो आपके पीछे वो मिरर लगाता है और आपकी कटिंग दिखाता है, तो आप कैसे देख पाते हैं, एंड दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम अगेन वो दोबारा कराता है ना, हम ये तो हम कह सकते हैं वी कैन रिफ्लेक्ट लाइट अगेन, है ना, दोबारा भी हम उसको रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन ए कैलिडोस्कोप, जो कैलिडोस्कोप बनाए जाते हैं उसमें जो लाइट है और जो मिरर है उसके इसी फंक्शन का यूज किया जाता है,
क्या समझ रहे हैं? द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस है ना, फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर प्लेस एट एन एंगल, किसी एंगल पे आप रख करके है ना, तो वन अनदर इज यूज टू किसमें, इन मेकिंग ए कैलिडोस्कोप, आप बना सकते हैं टू मेक ए नंबर ऑफ ब्यूटीफुल पैटर्न, जिससे आपको अलग अलग तरह के पैटर्न मिलेंगे। यू कैन ऑल्सो मेक ए कैलिडोस्कोप, आप अपने आप भी कैलिडोस्कोप बना सकते हैं और ये आपको बनाना भी है। ये एक्टिविटी सभी लोग घर में करेंगे। कैलिडोस्कोप हम कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। कैलिडोस्कोप बनाने के लिए आप हम करेंगे एक्टिविटी 16.6। कैलिडोस्कोप बनाएंगे कैसे, का क्या करना है इसके लिए हमने, इसके लिए हमने क्या किया, टू मेक कैलिडोस्कोप गेट थ्री रेक्टेंगल मिरर्स, हमें रेक्टेंगल है ना प्रिज्म जैसे होते हैं ना रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल मिरर्स लेने हैं, रेक्टेंगल ऐसे होते हैं ठीक है ना, रेक्टेंगल मिरर्स लेना है, स्ट्रिप इसकी मिरर स्ट्रिप लेंगे, ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए, ज्वाइन देम टूगेदर टू फॉर्म ए प्रिज्म है ना, एज शोन इन फिगर 16.12 है ना, जैसा कि दिखाया गया है उस तरह से आप इसको अटैच कर सकते हैं, ये आप फिगर देख सकते हैं, इस तरह से आपको अटैच करना है, फिगर है आपका ये 16.12, इसमें आपको कैलिडोस्कोप बनाने के लिए बताया गया है ठीक है। तो आपने थ्री आपने रेक्टेंगुलर मिरर लिए, उनको आपने ट्राइंगल शेप में करके आपस में अटैच कर दिया, फिर जैसी स्ट्रक्चर बना ली जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, फिक्स देम इन ए सर्कुलर कार्डबोर्ड है ना, उसको एक सर्कुलर कार्डबोर्ड में आपको फिक्स कर देना है ओके, सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब में और ट्यूब ऑफ ए थिक कार्ड पेपर है ना, उसके ऊपर आप फिक्स करेंगे, बात समझ में आ रही होगी, फिक्स देम इन ए सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और है ना, और ट्यूब ऑफ ए थिक कार्ड पेपर, मेक श्योर आपको ध्यान देना है दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर, थोड़ा सा जो ट्यूब होगी वो थोड़ा सा आपकी लॉन्गर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए देन द मिरर स्ट्रिप, जो मिरर स्ट्रिप है उनसे थोड़ा सा क्या होगी लॉन्ग होगी ओके। ये बात का आप ध्यान रखें, क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाई ए कार्डबोर्ड डिस्क, एक एंड को आपको क्लोज कर देना है जो कार्डबोर्ड डिस्क है, हैविंग ए होल इन द सेंटर, जिसके सेंटर में छोटा सा होल होगा है ना, थ्रो विच यू कैन सी, जिससे आप देखेंगे ओके, टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल, जो आपका ये डिस्क है ये ड्यूरेबल रहे काफी लंबे समय तक चले, इसके लिए क्या करेंगे, पेस्ट ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, जिसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट आप लगा देंगे अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क, जो कार्डबोर्ड डिस्क है उसमें ठीक है, तो ऐसा एक अटैचमेंट आप बनाएंगे, रेक्टेंगल है इसके ऊपर आपने कार्डबोर्ड लगा दिया है ना, ट्रांसपेरेंट पेपर लगा दिया, इस तरह से एक अटैचमेंट करना है आपको इसके साथ ठीक है। आप इसके बाद क्या करेंगे, इन अदर एंड दूसरे एंड पे टचिंग द मिरर्स, जो मिरर है उसको टच करते हुए फिक्स ए सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट है ना, वहां पर एक सर्कुलर है ना राउंड शेप प्लेन ग्लास प्लेट आप वहां पर फिक्स करेंगे, प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, ब्रोकन पीसेस ऑफ कलर्ड बैंगल, आप यहाँ पर जो बैंगल्स होते हैं उनके जो ब्रोकन पीसेस होते हैं उनको आप डाल सकते हो ठीक है, उसमें आप डाल करके क्लोज दिस इन टू द ट्यूब बाय ए ग्राउंड ग्लास प्लेट, आप इसको क्लोज कर देंगे है ना ठीक है, अलाउ इनफ स्पेस फॉर द कलर पीसेस टू मूव अराउंड, और इसमें इनफ स्पेस होगा जिसकी वजह से जो ये बैंगल के पीसेस हैं ये इजिली मूव कर पाएंगे, इस तरह से आपको कैलिडोस्कोप बनकर तैयार हो जाएगा ठीक है। आप इसमें इसको बनाइएगा, ये एक्टिविटी आपको घर में करनी है, योर कैलिडोस्कोप इज रेडी ओके, इस तरह से आप यदि आप अरेंजमेंट कर लेते हैं तो आपका कैलिडोस्कोप रेडी है, वेन यू पी
थ्रू दी होल मीन्स जब आप इस होल से देखोगे यू विल बी एबल टू सी वैरायटी ऑफ पैटर्न. तो आपको डिफरेंट पैटर्न दिखाई देंगे इन द ट्यूब. एंड इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ ए कैलिडोस्कोप इज दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न. कभी भी आपको एक सा पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा. हर बार डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलेंगे. ठीक है. डिजाइनर्स ऑफ द वॉलपेपर एंड फैब्रिक एंड आर्टिस्ट यूज कैलिडोस्कोप टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न. जो डिजाइनर्स होते हैं वॉलपेपर है ना, वो क्या करते हैं, वो इसी कैलिडोस्कोप का यूज करते हैं डिफरेंट पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए. टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन वेयर द कैलिडोस्कोप इन ए कलर्ड पेपर. आप जो ने जो कलर कैलिडोस्कोप बनाया है इसको आप और भी अट्रैक्टिव करना चाहें तो इसके ऊपर एक कलर पेपर लगा सकते हैं. और ये जो फिगर मैं आपको समझा रही हूँ ये आपकी बुक में है ऑलरेडी. ठीक है, तो इसको आप वहीं से देखेंगे. ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, है ना. आप लोग इसको ट्राई करिएगा कैलिडोस्कोप बनाने के लिए. हाँ हेलो. यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, इसमें मैंने yes, ma'am. है, वो शेयर नहीं किया था है ना, क्योंकि आपकी बुक में ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है. इसको आप जो कैलिडोस्कोप आज हमने समझा है इसको आप बनाएंगे घर में ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपने बना कि नहीं. हेलो. यस मैम. यस मैम. ठीक है, आज हमने जो जितना पढ़ा है कैलिडोस्कोप मतलब दिख रही है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम प्लेन मिरर करना है कि नो मैम करना है आप रख कर no, और कितने यूज कर रहे हैं टेबल फाइंड आउट करके मुझे सेंड कीजिएगा. यस मैम. यस मैम. ओके देन फिर इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं. बाय बेटा. बाय मैम. बाय मैम. थैंक यू मैम.